So now we pick up with Dr. Tribhuvan Singh, and he will throw light upon how the caste has been used, in fact manipulated by Breaking India Forces. मैं ऑर्गेनाइजर्स का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे सम्मान दिया और मैं राजीव मल्होत्रा जी को नमन करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इनका एकलव्य हूँ ये मुझे नहीं जानते हैं लेकिन जब मैंने पहली बार ब्रेकिंग इंडिया पढ़ा तो मुझे लगा कि क्या क्या गड़बड़ है देयर इज समथिंग रॉन्ग विच वी आर नॉट एबल टू परसीव जो हमको पढ़ाया नहीं जा रहा जो हमको बताया नहीं जा रहा फिर मैं आई एम प्रैक्टिसिंग ऑर्थोपेडिक सर्जन फिर मैंने एक गांधीयन पीजी डिप्लोमा इन गांधीयन थॉट एंड पीस स्टडीज पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक डिप्लोमा किया फिर तो नई नई चीज़ें आई समझ में कास्ट जब मिसरीज हिंदुस्तान में आए तो कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो कि कन्वर्जन में बाधा बन रहा था उनको कन्वर्जन में असुविधा हो रही है ये चीज़ इनकी बुक में भी है इन्होंने कोट किया है मैक्स मुलर जी को मैक्स मुलर सेड दिस एम ए सेरिंग हु रोट अ बुक कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम इन 1872 एंड हु हैज बीन कोटेड एक्सटेंसिवली बाय डॉक्टर अम्बेडकर इन हिज बुक उसने भी कहा है ये बात तो कहीं ना कहीं कास्ट एक फैक्टर था जिसको कुछ ना कुछ तो करना था क्योंकि कन्वर्जन को प्रमोट करना था दूसरी चीज अभी कहा राजीव मल्होत्रा जी ने कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का इतिहास औपन्यासिक विधा में लिखा गया अवे फ्रॉम एवरी फैक्ट आप क्या किसी देश की इकोनॉमी को उसके इतिहास और सोशियोलॉजी से काट सकते हैं लेकिन हिंदुस्तान में इकोनॉमी को दरकिनार कर दिया आज आप अमेरिका जाना चाहते हैं यूरोप जाना चाहते हैं क्यों जाना चाहते हैं बिकॉज दे आर रिच सो पूरा यूरोप हिंदुस्तान क्यों आना चाहता था बिकॉज वी आर रिच और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वेस्टर्न कंट्रीज की जो हिस्ट्री बुक्स हैं वो लिख रहे हैं इस बात को और आप यहां ये नहीं लिखा जा रहा ये नहीं बताया जा रहा '80s, 1980s में पाल बैरोज वाज वन पर्सन हु सेड दैट कि हमको ये बताया गया कि पश्चिम सदैव से अमीर रहा है ठीक है हम लोग गरीब रहे और भारत बहुत बड़ा आध्यात्मिक पावर था बहुत कल्चरल पावर था लेकिन हम लोग गरीब थे शुरू से गरीब थे ये पता नहीं कैसे हमारे यहाँ मन में भरा गया दिमाग में भरा गया 1980s में '80s में एक बेल्जियन इकोनॉमिस्ट थे पाल बैरोज उन्होंने डाटा प्रस्तुत किया जिसमें कहा कि ईस्टर्न कंट्रीज स्पेसिफिकली जो एशिया है ईस्ट एशिया है साउथ ईस्ट एशिया है वो दे वर रिच एंड वी वर पुअर ये फैक्टर उन लोगों को इतना आंदोलित किया कि ओईसीडी एक ग्रुप ऑफ नेशंस है उसने एक एंगस मेडिसन नाम के एक इकोनॉमिक हिस्टोरियन को कहा कि आप इस पर रिसर्च करें ही डिड अ great research and came out with the conclusion and he wrote a book the world the history of world economy a millennium perspective aap google pe search kariyega ye free download kar sakte hain unhone jo data prastut kiya uske hisab se bharat 0 ad se ye to documented hai iska matlab usse pehle bhi raha hoga 0 ad se 1750 tak bharat vishv gdp ka 25% का शेयर होल्डर था लाइकवाइज चाइना वॉज ऑल्सो स्टेक होल्डर ऑफ 25 to 30% कभी भारत आगे कभी चाइना आगे
पूरी दुनिया की 50% इकोनॉमी हिंदुस्तान और चाइना के पास थी 1750 तक, जबकि 1750 में ब्रिटेन और अमेरिका दोनों मिला के मात्र 2% जीडीपी के हिस्सेदार थे और टोटल यूरोप मात्र 7%। लेकिन जो लूट मची हिंदुस्तान में, जो लूट मची और जो जहां से कैपिटलिज्म का जन्म हुआ और जो हमारी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय की गई, 1900 आते आते वी रिमेन ओनली शेयर होल्डर ऑफ 2% अपसाइड डाउन, एंड ब्रिटेन एंड अमेरिका बिकेम शेयर होल्डर ऑफ 43%। दो तीन चीजें देखने वाली बात है। पहली चीज है कि कैपिटलिज्म का जन्म होता है कॉलोनियल उपनिवेश के साथ, उसके बदले में उसके काउंटर करने के लिए आता है मार्क्सिज्म, लेकिन उसके पहले हिंदुस्तान में क्या था? कोई फैक्ट्री तो थी नहीं, तो कैसे प्रोड्यूस करते थे? फ्रांसिस बुचनन इज अ पर्सन हु रोट ए बुक इन 1807 फ्रॉम जर्नी फ्रॉम मद्रास टू केरला टू कानावार। उसने एक मॉडल दिया है कि हमारे यहाँ लोहा कैसे पैदा किया जाता था, उसमें शेयर होल्डिंग कैसे होती। तो राइट फ्रॉम प्रोपराइटर और जो भट्टी में कोयला डालता था, जो बैलगाड़ी चलाता था, जो हथौड़ा चलाता था, सबका हिस्सा प्रोडक्ट में था, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता। वी कैनॉट कॉल इट इक्वल बट इट वॉज इक्विटेबल, इट वॉज इक्विटेबल। दिस वॉज द मॉडल ऑफ इकोनॉमी ऑफ योर कंट्री। दूसरी चीज आती, सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है, आज तक हमको ये नहीं बताया गया कि हाँ, अगर इतना इकोनॉमी हमारी डाउन हुई, पहले थी तो इसमें मैन्युफैक्चरर थे, हम लोग मैन्युफैक्चर करते थे, प्रोडक्ट को मार्केट भी करते थे, बहुत सारे लोग उस पर अपने आसिट भी रहे होंगे। लेकिन जब इकोनॉमी इतनी डाउन हुई तो उनका हुआ क्या? जो आपके प्रोडक्ट निर्माता थे, मैन्युफैक्चरर थे, उनका हुआ क्या? ये आज तक किसी ने नहीं बताया हमको। एक बुक है राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स बाई पॉल कैनेडी, उसमें पॉल बैरोच ने एक डाटा प्रस्तुत किया है 1750 से 1900 के बीच में पर कैपिटा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन 700% होता है। कैन यू थिंक ऑफ दैट? 700%। तो वो जो लोग डी इंडस्ट्रियलाइज हुए वो गए कहां? उनकी फैमिली से क्या हुआ? एक अमी कुमार बागची जी हैं, उन्होंने कॉलोनियल इकोनॉमी पे एक बुक लिखी है, और एक जगदीश बनर्जी हैं, उन्होंने डाटा दिया है 1813 के बीच में पूर्णिया और भागलपुर में करीब 50% डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। जिसकी वजह से 50% लोग जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन में थे पता नहीं कितने हजार साल से, वो डिस्प्लेस होते हैं। और उनकी संख्या कितनी है आपको जान के आश्चर्य होगा, 0.65 मिलियन। 0.65 मिलियन का मतलब 6.5 लाख, आई थिंक। अगर आप सिर्फ दो जिले का डाटा ये है शॉर्ट पीरियड का, आप 1757 से 1947 तक का डाटा लेंगे तो आपको क्या पता क्या कितने मैसिव लोग बेरोजगार हुए इस देश में, जिनके पास उनका रोजगार चला गया, जॉबलेस हो गए, दे वेर इन कंडीशन ऑफ स्टार्विंग, बट दे सर्वाइव समहाउ।
please. कार्ल मार्क्स 1853 में एक आर्टिकल लिखते हैं हिंदुस्तान के बारे में, बहुत अच्छा आर्टिकल है, कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डिफरेंट इकोनॉमी. उसको उन्होंने नाम दिया है एशियाटिक मॉडल ऑफ प्रोडक्शन. उसमें लिखा उन्होंने कि 1815 से 1835 के बीच में ढाका में 1.5 लाख आर्टिसंस थे. 1815 में 1.5 लाख आर्टिसंस ढाका में थे, जो कि घट करके 1835 आते आते मात्र 20,000 बचे. आप गूगल कर सकते हो पब्लिक डोमेन में. आखिर 1,30,000 लोग गए कहां, हुआ क्या उनका? क्या सोशियोलॉजी में इस पे बात की जाएगी? नहीं की जाएगी. क्या हिस्ट्री का अंग रहेगा कि ये सेपरेट इकोनॉमी की एक किताब लिखी बाहर रख दी? दूसरी बात यह है कि ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस के आज की डेट में क्या उनके बिंदु क्या है, किस आधार पे वो ऑपरेट कर रही, उनके क्या है, क्या दे आर क्रिएटिंग डिसहारमोनी विद इन द सोसाइटी, दे आर क्रिएटिंग हेट्रेड विद इन द सोसाइटी विद इन द पीपल. यू गो ऑन द सोशल मीडिया में आपको दिखेगा कि किस तरह की भाषा लोग इस्तेमाल करते हैं दूसरे के खिलाफ. तो उनके मुख्य बिंदु क्या है? उनके मुख्य बिंदु हैं कि शूद्रों को शिक्षा से वंचित किया गया. हमको तो यही पढ़ा गया, ये आर्गुमेंट दिया गया, लेकिन ये बहुत बड़ा झूठ है. ये फैलाया हुआ बहुत बड़ा झूठ है. इसका डॉक्यूमेंटेशन हुआ है. बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े गांधीयन थे धर्मपाल जी. उन्होंने जो बुक लिखी है ब्यूटीफुल ट्री, 1931 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी कहते हैं कि हिंदुस्तान आज की डेट में जितना शिक्षित है, इससे 50 या 100 साल पहले इससे ज्यादा शिक्षित था. कैन यू बिलीव इट? अंग्रेजों को यह लगता था कि हिंदुस्तान को इनलाइटमेंट देने आए हैं. वो कहते ना, वो क्रिश्चियनिटी को देश है दैट दिस इज टू रिलीजन और बाकी हम आपके फाल्स रिलीजन है, तो आपको लाइट देने आए थे. उसमें फिलिप्स हार्टोग वाज द वाइस चांसलर ऑफ ढाका. उसने ऑब्जेक्शन रेज किया गांधी से, गांधी जी से कहा या तो आप माफी मांगिए या तो प्रूफ करिए इसको दिस फैक्ट. और उनके गांधी जी ने कहा कि अगर ये बात झूठी निकली तो मैं ज्यादा इससे भी ज्यादा पंप शो से आपकी बात का प्रचार करूंगा कि मैंने झूठ बोला था. धर्मपाल जी ने 1830 के आसपास का डाटा, बिफोर द मैकाले केम टू इंडिया एंड दिस लेटेस्ट एजुकेशन मॉडल केम टू वाज गिफ्टेड बाय देम टू अस. धर्मपाल जी ने 1830 के आसपास ताल्लुक वाइज साउथ का डाटा दिया हुआ है, पंजाब का भी डाटा दिया हुआ है, जो एक कहता है कि स्कूल जाने वाले स्कॉलर्स की संख्या, शुद्ध स्कॉलर्स की संख्या ब्राह्मण की 4 गुनी है. यू जस्ट गो ऑन द गूगल, डाउनलोड इट फ्री, मिल जाएगी. स्कूल जाने वाले शूद्र छात्रों की संख्या ब्राह्मणों से 4 गुनी है. और सबसे बड़ी बात है तो हमारे पुरखों का तो वर्णन ही नहीं उसमें. ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, मुसलमान, ये डाटा है इंग्लिश कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, उनका इकट्ठा किया हुआ. धर्मपाल जी ने उसको इकट्ठा करके बुक के रूप में रखा है. इस ऐतिहासिक तथ्य को आप कैसे नकार सकते हैं कि एक बहुत बड़े सेक्शन को एजुकेशन दिया ही नहीं गया? इतना बड़ा झूठ. दूसरी बात है,
आर्यन इन्वेजन थ्योरी और उस पे उसे ज्यादा इससे इनसे ज्यादा तो अच्छा किसी ने लिखा ही नहीं, उससे ज्यादा कहीं मिलेगा भी नहीं। हिंदुस्तान में शब्दों का एक लुगदी फेंटा गया, क्या द्रविड़, शूद्र, अतिशूद्र, दलित, महादलित, मूल निवासी, इन शब्दों को मिला करके एक लुगदी बनाई गई, तैयार की गई, पेस्ट बनाया गया और जहां चाहे वहां लगा दिए अपनी आवश्यकता के अनुसार। अब आप ये बताइए, जब इतना मैसिव पॉपुलेशन 700% ऑफ द पॉपुलेशन मैन्युफैक्चरर्स मार्केटियर्स अगर बेरोजगार होते हैं तो क्या होगा? क्या उनको एजुकेशन की परवाह करेंगे? वो पहले की पहले भोजन का परवाह करें, पेट पाले और बच्चों को जिंदा रखें। They went to the villages, क्योंकि गांव में आप सब लोग वाकिफ है, गांव की आवश्यकता कम है, मिनिमम है। एंड दे वर प्रोवाइडेड शेल्टर, दे वर नॉट परसिक्यूटेड। मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं। उनको घर दिया गया और ये कहा गया कि भैया खेती करो, खेत में मदद करो, जिंदा रहो। हो सकता है प्रताड़ना होती है, हो सकता है प्रताड़ित किया हो, उसे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन द क्राइटेरिया इज टोटल इकोनॉमिक, इट इज नॉट बेस्ड ऑन द स्मृतिज, वेदाज, पुराणाज। ये इतना बड़ा फॉल्स है, ये टोटल इकोनॉमिक क्राइटेरिया है। क्या सारे लोग जेएनयू के सारे लोग सारे सड़क पर सोने वाले के साथ बैठ रहे हैं क्या, बैठ के खाना खा रहे हैं क्या? नहीं खा रहे, सच है नहीं खाएंगे, क्योंकि शुचिता का मतलब है। इसका मतलब टोटल स्वच्छता से है कि भाई हम एक अलग तरीके से रहते हैं, हम नहीं खा सकते, वही स्वच्छ होकर आ जाए शायद खा ले। सबसे बड़ा जो ब्लॉट है, अभी भी उसको पूरी तरह एक्सप्लेन करना संभव नहीं है, अछूत, जिसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना किया गया है पास्ट में भी और अभी भी, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर का लिटरेचर ही इस बात को एक्सप्लेन करता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी एक बुक में भी व्हाट द गांधी एंड कांग्रेस इज डूइंग टू कुवेर सुधराज, तो है ये, लेकिन ये दूसरे, हाँ ऐसे जी, उसमें उन्होंने एनी बेसेंट को कोट किया है कि एनी बेसेंट का 1917 का कांग्रेस अधिवेशन में एक लेक्चर है जिसमें, अब टाइमलाइन पे जाइए, 1917 मींस योर इकोनॉमी हैज गॉन डाउन और कितने लोग बेरोजगार हो गए, और ब्रिटेन की इकोनॉमी है वो राइज कर रही है और आपकी उनको रोजगार मिल रहा है, और आपके यहाँ इकोनॉमी डाउन हो रही है, आपके यहाँ लोग बेरोजगार हो रहे हैं। अब देखिए जो स्टेटमेंट दिया है उन्होंने एनी बेसेंट ने, कितना तथ्यपरक है। शी सेज कि 1/10 सबमर्स्ड पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटेन, 1/10 सबमर्स्ड पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटेन की हालत बहुत खराब है, बहुत गंदी है, अभी वो डेवलपमेंट की गाड़ी पकड़ नहीं पाए हैं। एंड वो वही सारा गंदा काम करते हैं जो कि ना वो अशिक्षा, वो शिक्षा से दूर है, वो सिख हैं, वो शराब पीते हैं, गंधाते हैं, एंड देन ही कंपेयर देम टू 1/6 जेनरिक डिप्रेस्ड क्लास ऑफ इंडिया। ये एनिवेशन का कथन है। सेंसस के बारे में सर ने बड़ा अच्छा बताया, सेंसस हमारे यहां शुरू हुआ है 1871 में, 1872 आई थिंक, देन इट वाज इन 1881, देन 1891, देन 1901, 1872, 1881 तक जो भी सेंसस हुआ वाज बेस्ड ऑन वर्णा। 1885 का गजेटियर भी कहता है कि वर्णा, देयर आर फोर वर्णा, ब्रिटिशर्स दे कैनॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द वर्णा एंड कास्ट, दे आल्सो यूज कास्ट वर्ड फॉर वर्णा। 1891 का सेंसस वाज बेस्ड ऑन प्रोफेशन,
कि कौन आदमी क्या काम करता है। लेकिन 1901 का जो सेंसस होता है, जिसके बारे में सर ने कहा अभी, मिस्टर एच एच रिस्ली लॉर्ड ही यूज टोटली द रेस साइंस एंड एंथ्रोपोमेट्री। ही मेड ए ही यूज ए टर्म अनफेलिंग लॉ ऑफ कास्ट। व्हाट इट वाज, इट मींस कि नेजल बेस इंडेक्स अगर उसको कैलकुलेट किया जाए या ब्रॉडनेस ऑफ द नोज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द सोशल स्टेटस ऑफ द पर्सन। और अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ही फार्मुलेटेड, ही मेड ए लिस्ट, और वो लिस्ट अल्फाबेटिकल नहीं है, वो लिस्ट है हायरार्की के आधार पे, नाक की चौड़ाई के हिसाब से। और वही लिस्ट आज तक भारत में जारी है। सबसे बड़ी बात ये, वही लिस्ट आज भी, इसीलिए आपको लगता कि एक वर्ग ऐसा है यार, वो तो बड़ा 200 बीघे खेत इनके पास होते थे, 500 बीघे खेत होते थे इनके पास, ये कैसे इस रहे, ओबीसी कैसे आ गए। देन एक बहुत मजेदार हिस्ट्री और भी है कि देन इन 1911, 1921 एंड 1931 तक इस मामले को कि मेरा सोशल हायरार्की में मेरा लेवल नीचे नहीं मेरा ऊपर रखो, इतने मुकदमे हुए कि बंगाल का एक कह रहा है कि एक जो जितनी मुकदमे हैं उनका वजन था एक साल के 1911 में 120 पाउंड, 1911 में ही इतना मुकदमे आए कि उसका जो पाइलिंग कंपाइलिंग किया उन्होंने तो 120 पाउंड का बना हो। 1931 आते आते ये होता है कि भैया इसको हटाओ, बहुत कौन इतना मुकदमा लड़ेगा, खत्म करो। दैट्स वाई अगर आपको याद हो तो मंडल कमीशन लागू होने में 1931 का सेंसस इस्तेमाल किया गया था, बिकॉज दे डिड नॉट यूज सेंसस ऑफ 1941 क्योंकि उसमें से कास्ट हट गई थी। देन व्हाट इज कास्ट, एक दो है, दो चार मिनट ठीक। कास्ट पे जब सर ने बताया बहुत अच्छा है कि पुर्तगीज जब आए तो हिंदुस्तान के एक पर्टिकुलर ग्रुप में एक उनके खाने का तरीका है, एक पर्टिकुलर ग्रुप में वो शादी करते हैं, ठीक है, ये हमारा कल्चर है, तो उसको उन्होंने कहा कास्ट, जबकि कास्ट इज कास्टास। आप अच्छा हाफ कास्ट क्या हो, अगर हिंदू कास्ट, इफ द कास्ट इज ओरिजिनल सिस्टम ऑफ द सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, तो व्हाट इज हाफ कास्ट, व्हाट इज क्वार्टर कास्ट, दीज वर्ड्स यू विल फाइंड इन सो मेनी फॉरेन कंट्रीज, दे आर यूजिंग इट, सो हाउ इट कैन बी आवर ओन कल्चर। कास्ट का मतलब जाति है, और जाति का मतलब संस्कृत की जो डिक्शनरी है अमरकोश, वो सिर्फ तीन शब्द कहता है, कहता है मतलब सुमन मालती, ये दो पुष्प के नाम है, और जाति मतलब सामान्य जन। तो क्या मतलब जाति थी, नहीं जाति नहीं थी, जात थी, जात का मतलब उत्पत्ति। 1807 में फ्रांसिस बुचनन ने 122 कास्ट ऑब्लिक ट्रेड की लिस्ट बनाई, कास्ट ऑब्लिक ट्रेड। फिर तो यह पहले यह समझ में आया कि कास्ट शायद कोई होता होगा क्या, कोई मतलब ट्रेड से मतलब है क्या, मतलब जात का मतलब कोई ट्रेड से मतलब है, लेकिन नहीं। एम एस सेरिंग की एक बुक है कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ इंडिया, जिससे वो 1872 में लिखा, उसमें नूनिया एक पेशा है, नूनिया या लूनिया मतलब मैन्युफैक्चरर्स ऑफ साज, उसमें कम से कम नहीं तो आप ये समझिए कि उसमें वत्स गोत्र चौहान मुसाहर, विच इज द पुअरेस्ट कम्युनिटी टूडे, देवर मैन्युफैक्चरर ऑफ द साल्ट, और साल्ट वो पहला व्यापार था हिंदुस्तान का जिसको अंग्रेजों ने मोनोपोली किया और नष्ट अपने हाथ में लिया। आपको भरोसा नहीं होगा 1880 में साल्ट का जो टैक्स था दैट वाज मियरली 0.3 पैसा पर माउंड,
Mound means 40 kilo, 40 kg. That was reached within same year, 3 rupees 25 paisa. और एक परिवार का साल भर के नमक की खपत के लिए 2 रुपया खर्च करना पड़ता था और 2 रुपया कमाने के लिए एक लेबर को 2 महीना मेहनत करना पड़ता था। सो जात इज समथिंग डिफरेंट। जात मींस एक प्रोफेशन अटैच्ड है इससे, इससे रीजनलिटी अटैच्ड है। जैसे कनौजिया हुआ, कनौज के रहने वाले जितने लोग हैं कनौजिया हुए, प्लस ये फैमिली गोत्र को बताती। इसके लिए मैं तुलसीदास के मात्र 2 दोहे को इस्तेमाल करना चाहूंगा। हाँ, एक बस बात और, जैसे वर्ण, पहले जात के पहले आया क्या, वर्ण और सवर्ण और अवर्ण। तो सवर्ण मतलब क्या होता है, पढ़ाया हमको क्या है, सवर्ण मतलब वर्ण का मतलब चमड़े का रंग। तो फिर भैया वर्णाक्षर क्या हुआ, वर्ण धर्माश्रम क्या हुआ, और फिर अगर सवर्ण मतलब चमड़े का रंग तो कौन सा चमड़े का रंग है, काला है, पीला है, गोरा है, सफेद है, सतरंगी है, तो फिर असवर्ण और अवर्ण का क्या मतलब हुआ। वो सर की किताब है, उसमें लिखा हुआ डिसकलर्ड, ए वर्ड वॉज क्वाइंड बाई ओरिगन, डिसकलर्ड क्रिश्चियन थियोलॉजी का एप्लीकेशन उसमें, कि जब यूरोपियंस ने इथोपिया पे कब्जा किया कहां पर, तो एक थियरी वो सर अच्छा बताएंगे कि हेमाइट्स का प्रिंसिपल है, वो नूह के पुत्र को जो कर्ज किया था हैम को, कि उसी कारण आपका कलर खराब हो जाए, डिसकलर्ड। दैट फिलॉसफी वॉज अप्लाइड इन योर सोसाइटी। वन मोर, जात का मतलब है, देखिए तुलसीदास को मैं कोट करना चाहूंगा, तुलसीदास और उनका संवाद है, जब उसका केवट का संवाद है, वो कहते हैं कि, अब एग्जैक्टली तो मैं इसमें निकाल सकता हूँ, लेकिन कहता है केवट कि मैं ना ले हूं प्रभु तेरी उतराई, ठीक, क्यों, क्योंकि तुम्हारी भी जात एक है, मेरी भी जात एक है, मीन्स प्रोफेशन हमारा एक है, ठीक, तो मैं नहीं लूंगा आपसे उतराई, क्योंकि आप भवसागर की उतरैया हो, तो हम सुरसर की, इस नदी की उतरैया है, यहां से बाप उधर करेंगे। दूसरा उदाहरण और लीजिए, फैमिली से सबसे बड़ा उदाहरण होता है कि जब उनका सती जी के पिता से शंकर जी की शादी होती है सती जी से, जबरदस्ती सती जी ने किया था, लव मैरिज किया था फादर की इच्छा के विरुद्ध किया था, तो दक्ष जी उनसे नाराज रहते थे, तो उनको एक कोई समारोह था, बुलाया नहीं उन्होंने, तो सती जी तो नैहर है, मायका है, तो भाई मोहब्बत है, बोली हमको जाना चाहिए, उन्होंने मना किया, शंकर जी ने मना किया, भाई देखो गुरु माता मित्र और एक और जगह कि आप कभी भी जा सकते हो, लेकिन वहां अगर आपको विरोध की भावना हो तो कतई मत जाइए। लेकिन वो गई जबरदस्ती गई, लेकिन जब वहां देखा कि प्रोटोकॉल में कोई चेयर ही नहीं लगी है शंकर जी के लिए, तो उनका बड़ा अपमान हुआ, शंकर जी का बड़ा अपमान लगा, अपना तो जो लगा कि शंकर जी के इतना पति का मेरे अपमान किया, क्योंकि किसी पत्नी के लिए उसके पति का अपमान या परिवार का अपमान सबसे बुरी चीज। तो उसमें लिखते हैं तुलसीदास जी, यद्यप जग दारुण दुख नाना, और सबसे कठिन जाति अपमाना। अब देखिए जाति को यहाँ पे, जात इतना प्रिवलेंट हो गया हमारे सोसाइटी में कि जात को भी जात कर दिया। जो प्रिंटर था हनुमान पोद्दार के, जो प्रिंटर रहे होंगे, जात को जाति लिख दिया। मैं जब भी इस सोशल मीडिया में बात करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि यू सो मी वर्ड जाति इन संस्कृत, एनी संस्कृत, इट इज नॉट आवर कल्चर, इट इज एलियन टू अस, इट हैज बीन इम्पोज्ड अपॉन अस। निकोलस बी डर ने जो बुक लिखी है माइंड, कास्ट ऑफ माइंड, वो क्लियरली सेज that caste is modern phenomena and it has come because of the interaction between the Britishers and Indians. Thank you. हम आपके पास
उम्मीद है फिर दोबारा आएंगे इन द साइकिल ऑफ द डिस्कशन।